Mrs. D'Souza? Mrs. D'Souza? Mr. Frank? Hello? Anybody in? Mrs. D'Souza? This is Sister Dorothy. Anybody home? नहीं, ये सब नहीं चलने वाला। फिर मार्केट के हिसाब से लिखो ना, लोगों को पढ़ने में मजा आना चाहिए और माल बिकना चाहिए। यार आप क्यों नहीं बता देते मुझे क्या लिखूं? हॉरर क्यों नहीं लिखते? वो कुछ ऐसा ही इंग्लिश में दिखाते हैं ना, वो किसी के शरीर में किसी की आत्मा प्रवेश कर जाती है, कोई बैठे बैठे कुछ भी करने लगता है। अरे कोई कोई तो मरे हुए लोगों को देखने लगता है। बिल्कुल सही, उसके बाद उनसे बातें भी करने लगता है। एग्जैक्टली, तुम्हारे हाथ में चाबी लग गई है। अरे तुम छा जाओगे, ऐसा ही लिखो। ये सब बकवास लिखकर। अरे सवाल बकवास का नहीं है, हमारे रोजी रोटी का है। और फिर एडवांस भी दिया है मैंने तुम्हें। गुड इवनिंग सिस्टर। वेल आई गेस बाय नाउ इट्स गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम सॉरी। कहाँ जा रहे हो? नागबेड। हैव अ सीट। थैंक यू। अपने चाचा के पास। ओह, हॉलीडेज? नो सिस्टर, नॉट हॉलीडेज। मैं अपने काम से दूर भाग के जा रहा हूँ। आई एम ए राइटर। रियली? सो आई एम टॉकिंग टू अ राइटर? यस। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि आप अपने काम से दूर भाग कर जा रहे हैं? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आई एम हेल्पलेस। बट वाई? मेरा पब्लिशर, वो चाहता है कि मैं डरावनी कहानियाँ लिखूं। उसका मानना है कि अगर मैं भूत, प्रेत और आत्माओं के बारे में लिखूंगा तो मैं बहुत ही काबिल और कामयाब राइटर बन जाऊंगा। इट्स डिस्गस्टिंग एंड इट्स पैथेटिक। और आप इन चीजों के बारे में नहीं लिखना चाहते? ये भूत प्रेत के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। इट इज द चीप पॉपुलिस्ट काइंड ऑफ लिटरेचर। मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जो जो सच हो। एग्जैक्टली।
लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि शायद आप इन चीजों को मानती हैं। Yes, I do. आप मजाक कर रही हैं सिस्टर? ऐसा आपको लगता है, मैं सच बोल रही हूं। आप सुनना चाहेंगे मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में? बिल्कुल। आई एम सिस्टर डोरोथी। वर्धा के एक मिशनरी स्कूल में मैं म्यूजिक सिखाती हूँ। वहां पर मेरी एक बहुत फेवरेट स्टूडेंट थी, एना। क्लास में सबसे अच्छा पियानो वही बजाती थी। शी वॉज ट्रूली गॉड्स गिफ्ट। फिर एक दिन एना अपने पेरेंट्स के साथ फार्म हाउस गई। 4-5 दिन तक उसकी कोई न्यूज नहीं। यू डोंट नो, नो टेलीफोन कॉल्स, नो लीव एप्लीकेशन, नथिंग। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। आई वॉज वरीड। और सच कहूं, मैं उसे मिस करने लगी थी। फिर एक दिन उसकी न्यूज आई। I just couldn't believe it. मेरी एना उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि why। मैं बहुत डिप्रेस्ड थी। Then I thought कि मैं उसके पेरेंट्स से जाके मिलूं। उसके घर गई। वहां पर ताला लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि फार्म हाउस पे जाकर देखूं। हेलो, कोई है? मिस्टर फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक, मिसेस डिसूजा, मिस्टर फ्रैंक, हेलो, एनीबडी? Mrs. D'Souza? This is Sister Dorothy. Anybody home?
फिर क्या हुआ सिस्टर? उसके बाद दो दिनों तक मैं उस डर और उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। ओह माय गॉड, मेरी ऐना के साथ ये क्या हो गया? फिर एक दिन उसका बर्थडे था, यू नो, हर साल वो मेरे बर्थडे पर मेरे लिए केक लेकर आया करती थी। सो आई थॉट मैं भी उसके लिए केक लेकर आई। Happy birthday to Anna. This one's for you, Anna. Sister, please, sister, help me. Sister, please, help me. Sister, help me. Please, help me, sister. Sister, help me, sister. Sister, please help me. Help me, sister. Bored by the mysteries of its ancient civilization. Is made possible by generous gifts from partners of Biddingham Ministries and viewers like you in this area. You are the healer. You said we pray in your name, you'll hear our prayer. You said we would do what you did and more to give glory. You in this area. You are the healer. You said. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven. Sister, please. Help me, sister. Please, help me, sister. Sister, help me. Sister, please, help me, sister. Interesting. उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद मैं सोचने लगी कि आना तो सबसे फेवरेट स्टूडेंट थी मेरी, तो मैं उससे क्यों डर रही हूँ। मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि उसका स्पिरिट बार बार मुझे ही क्यों दिखता है। वाही कुछ तो रीजन था, पर उसके बाद उसका स्पिरिट फिर से मेरे सामने नहीं आया। लेकिन वो मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर छा गई थी। नाउ आई हैड टू नो, मुझे मिलना था उससे। कुछ तो रीजन था, कुछ तो था। शायद उसी कोई अधूरी इच्छा होगी या कोई अधूरा काम जो एग्जैक्टली इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसके माँ से मिलूंगी। हेलो मिसेस डिसूजा, हेलो मैं सिस्टर डॉर्थी, एना की म्यूजिक टीचर। एक्चुअली मिसेस डिसूजा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। कहिए मिसेस डिसूजा, एना ने सुसाइड क्यों किया? ये आप क्यों पूछ रही हैं? बाय, इट्स इम्पोर्टेंट। यू सी, एना की डेथ के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो मैं कुछ समझी नहीं। इसीलिए तो आई हैव टू मीट यू, यू सी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मिसेस डिसूजा, आर यू देयर? हेलो, कल सुबह 10 बजे मैं आपसे चर्च में मिलती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। सिस्टर डॉरथी, एना की म्यूजिक टीचर। कल रात कुछ कह रही थी आप? जी, एक्चुअली मुझे ये जानना था कि एना ने सुसाइड क्यों किया, क्या प्रॉब्लम था उसे। प्लीज मुझे बताइए, एना ने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था। मुझे देर हो रही है, मैंने अब चलना चाहिए। मिसेस डिसूजा, प्लीज प्लीज, ये आपकी बेटी का मामला है। देखिए, ये सब कहकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बात कुछ और है। एना परेशानी में है मिसेस डिसूजा। एना परेशान है? उसका स्पिरिट मेरे सामने आता है मिसेस डिसूजा, बार बार मुझसे मदद मांगती है, हेल्प मांगती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे उसे टॉर्चर किया गया है। तो शी इज बीन असॉल्टेड, यू नो। मिसेस डिसूजा, प्लीज डोंट क्राई। क्या हुआ, क्या हुआ? फ्रैंक नफरत करता था उससे। क्यों? वो उसकी अपनी औलाद नहीं थी ना, स्टेप फादर था वो उसके। उस दिन क्या हुआ था?
उस दिन तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हें एक बार कहने में बात समझ में नहीं आती क्या? प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चुप, अभी जाओ, तैयार होकर 2 मिनट में वापस आओ, समझी तुम? फ्रेंड, यू कांट डू दिस टू मी। क्वाइट, जस्ट गो एंड कम बैक। गो। फ्रेंड, शट अप। पापा प्लीज प्लीज, मामा के साथ ऐसे मत कीजिए प्लीज। अभी मुझे सिखाएगी कि किससे कैसे बात करनी है? प्लीज, तुम मुझे तभी सिखाएगी? मामा का मन नहीं हो रहा तो रहने दीजिए ना। तुम मुझे सिखाएगी कैसे बात करनी है? प्लीज बेटा प्लीज, जब तक तू तमीज नहीं सीखती ना, तब तक यही रहेगी। थोड़ी देर बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो वो खत्म कर चुकी थी अपने आप को। शी हैड कमिटेड सुसाइड। खो चुकी थी मैं अपनी बच्ची। आपने फ्रैंक से कुछ नहीं कहा? मुझे जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। मिस डिसूजा, प्लीज लिसन टू मी। एना की स्पिरिट बार बार मेरे सामने आती है, मुझसे हेल्प मांगती है। आप बता सकती है क्यों? मिस डिसूजा, प्लीज लिसन टू मी प्लीज। सुनो, ये ठीक नहीं है जो तुम हमारी जिंदगी में दखल दे रही हो ना। मैं सिर्फ ट्रुथ जानना चाहती हूँ मिस्टर फ्रैंक। फिर क्या हुआ? फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वो फार्म हाउस जाऊंगी। वहां कुछ ना कुछ है मेरे लिए। क्या है? आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो है जिससे आना की स्पिरिट को शांति मिले। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। डेफिनेटली ऐसा कुछ है। तुम सोचो, उसका स्पिरिट मुझे ही क्यों दिखता है? मेरे ही पास क्यों आता है? क्यों मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है? मुझसे हेल्प क्यों मांगता है? व्हाई? सिस्टर, एना आपकी फेवरेट स्टूडेंट थी। वो आपको बहुत प्यार करती थी, आप उसको बहुत चाहती थी। वो उसकी माँ के पास भी जा सकती थी लेकिन नहीं गई। जीसस ने मुझे चुना है इस काम के लिए। आई हैव टू डू दिस। क्या हुआ? मेरा स्टेशन आ गया। आई हैव टू गो। सिस्टर, ये वही जगह है जहाँ वो फार्म हाउस है? हाँ। आप बुरा न माने तो मैं चलूँ आपके साथ। क्यों? मैं भी एना की हेल्प करना चाहता हूँ। आपको तो मालूम है मैं राइटर हूँ, शायद कोई कहानी मिल जाए।
ये वही फार्म हाउस है जहां आना ने अपना जान दिया था। डरोगे तो नहीं? नहीं। सोच लो। सोच लिया। मैं चल रहा हूं आपके साथ। अधूरी यात्रा कभी नहीं करते। सुन सुन सुन, अभी भी वक्त है, अभी वक्त है, लेकिन तू जाएगा कहाँ ये तो बता। देख मेरी सुन, मेरी सुन, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। वो भिखारी क्या कह रहा था? कुछ नहीं, पागल था, बकवास कर रहा था। देखो तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो। नहीं सिस्टर, मैंने फैसला कर लिया है। अभी अभी कितना दूर हो रहा है सिस्टर? बस पास में ही है। ओह, सिस्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये आना की स्पिरिट आप ही को क्यों दिखाई देती है? पता नहीं, पर वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। हाँ मे भी इसलिए कि आप उसकी टीचर थी और बहुत क्लोज थी। इतना मामूली रीजन नहीं हो सकता, उसका मुझसे इंटरेक्ट करने का रीजन कुछ और ही है। क्या? सिस्टर, ये इस तरह से हम लोग किसी के फार्म हाउस में घुस रहे हैं। सुनो, पियानो बजा रही है, वही प्यारी धुन, the same tune. मुझे बुला रही है, मेरी है ना, बुला रही है मुझे।
सिस्टर देखो इन्होंने क्या लिखा है। डियर सिस्टर डोरोथी, प्लीज हेल्प मी। I love Sister Dorothy, my music teacher. Sister Dorothy, please help me. डियर टीचर डोरोथी, प्लीज हेल्प मी। मैं मर रही हूँ। मेरे स्टेपफादर ने मुझे जहर दे दिया है। मुझे मेरी मम्मा की भी चिंता है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, वो उन्हें भी मार डालेंगे। सिस्टर डोरोथी और एना की घटना ने मुझे सुपरनैचुरल पर यकीन करा दिया था। मैं एक कहानी की तलाश में था जो मुझे मिल गई थी। शायद आप भी इस कहानी के छपने का इंतजार करें।